अच्छा ये ये सवाल मेरे से है संजीव झा जी, आपसे ही ये सवाल करा था। एक चीज बताइए आप कि लगातार 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी के सभी स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार मनीष सिसोदिया जी ने किया, इनके 800 ऑफिसर्स पिछले 6 महीने से 500 जगह पर छापा मारा, मनीष जी के घर में छापा मारा, मनीष जी के ऑफिस छापा मारा, मनीष जी के गांव में जाकर छापा मारा, आखिर उनको मिला क्या, इनको झुंझुना मिला ये बता नहीं पा रहे हैं। जब पहले कहा मनीष जी प्राइम क्यूजर चार्जशीट में मनीष जी का नाम नहीं था। संजीव झा जी, संजीव झा जी आप मेरे को ये बताइए, आप अगर ये सवाल नहीं, आप खुद जानते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती हैं, आपके कई सारे जांच एजेंसीज आपके अंदर भी हैं पर आपके ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं, आप ये बताइए कहाँ इससे पहले कहाँ हुआ है कि जांच के समय जब सर्चेस होती हैं कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी निकल कर आके कहती है कि हमारे पास सब एविडेंस मिल गया है और केस बंद हो चुकी है, ऐसा कहाँ होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रोसीजर होता है प्रोसीजर के हिसाब से चार्जशीट फाइल की जाती है, ट्रायल पे जाती है इस ये पूरे मामले, ये कोर्ट आखिरकार ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत है कि नहीं है, उससे पहले ही आप क्लीन चिट देना चाहते हैं? हम क्लीन चिट इसलिए देना चाहते हैं कि लगातार छापा जब भी मारा जाता है टीजर रिपोर्ट आती है, आप ही लोग ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं ना कि ये ईडी का छापा मारा, फलाने बरामदगी हुई, क्या बरामदगी हुई देश की जनता ये जानना चाह रही है, कितने करोड़ की बरामदगी, क्या मिला, कोई संपत्ति का पेपर मिला, क्या करप्शन हासिल क्या मिला, हम जानना चाहते हैं ना कि सीबीआई जब छापा मारा जगह जगह कुछ हासिल हुआ कि नहीं हुआ, आज तक सीबीआई नहीं बता पाई। दूसरी बात, एक बात समझिए, दिल्ली का अभी बजट का सेशन होना है, मनीष जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, बजट पेश होना था, आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई कि देश के दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर को बजट पेश करने से रोका जा रहा है? तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनाथा सरकार हो गई। अदानी जिसने हजारों करोड़ देश की जनता को लूट लिया, प्रधानमंत्री की दोस्ती के कारण आज देश उसका नुकसान भुगत रहा है, उससे देश के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ये तरह तरह के ड्रामे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचा जा रहा है। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये अरेस्ट करने से आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के लीडर्स डरने वाले आंदोलन से आए हुए लोग हैं। भाई भगत सिंह को अपनी फांसी देनी पड़ी, तब तो जेल जा रहे हैं। हम इनके भ्रष्टाचार के पोल को भी करेंगे, वो भी खोलेंगे, और इन्होंने जो देश की हालात करी है उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जब जब इस देश के जनतंत्र को कुठाराघात करने की कोशिश की गई है, देश की जनता मुंह तोड़ जवाब दीजिए, एक एक बार जवाब इसकी जनता देगी।